हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज मिक्स क्ले पॉट का वीडियो लेके आई हूँ। आप लोग बहुत सारा कस्टमर मुझसे पूछता है, मैम मिक्स क्ले पॉट में क्या क्या मिल जाएगा, तो मिक्स पॉट में क्या क्या अवेलेबल होता है मैं आज दिखा दूँगी। और ये मिक्स पॉट आप 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन में पेमेंट करना पड़ेगा और मेरे पास COD नहीं है, और इसीलिए ऑनलाइन में आपको पेमेंट करके ही परचेस करना होगा। तो COD मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, ये मिक्स्ड क्ले पॉट लिया हूँ। इधर एक एक करके मैं दिखाऊंगा क्या क्या आइटम है। देखिए, ये बिग साइज़ पॉट्स है, जो थिक क्ले पॉट्स होता है वो बिग साइज़ में स्मोकी नॉन स्मोकी दोनों ही अवेलेबल है। ये नॉन स्मोकी है देखिए, लेकिन ये सॉफ्ट होगा। ये नॉन स्मोकी है और ये स्मोकी है। ये बिग साइज़ क्ले पॉट्स है, देखिए इसको मैं साइड में रखती हूँ। ये एक टाइप हुआ मिक्स्ड में, और ये मीडियम ग्लास है। देखिए, ऐसे ग्लास मिलेगा आपको 1 kg में या 2 kg में, मिक्स्ड में ऐसे ग्लास मिलेगा। ये भी बहुत ही सॉफ्ट है, और जो क्ले है बहुत ही आर्दी है इसका टेस्ट। ये इधर एक रखती हूँ, तो दो टाइप हुआ। और ऐसे मीडियम साइज पॉट मिलेगा आपको, ऐसे पॉट्स मिलेगा। देखिए, ये मीडियम पॉट्स है, तो ये 3 हुआ। देखिए, ये मिनी पॉट्स है। मिनी पॉट्स में आपको स्मोकी नॉन स्मोकी दोनों ही अवेलेबल मिलेगा। ऐसे ये देखिए, स्मोकी है और नॉन स्मोकी है। ये 4th आइटम मैं दिखा रही हूँ, ये स्मोकी नॉन स्मोकी दोनों में ही अवेलेबल है। ये 4th आइटम हुआ, मैं इधर रखती हूँ। और ऐसे पॉट्स मिलेगा, ये थोड़ा सा बिग साइज़ है, ये डिज़ाइन भी अवेलेबल है। ऐसे बिग साइज़ में मिनी पॉट्स है, ये डिज़ाइन छोड़ के है, ये भी आपको मिलेगा। और देखिए, इधर कोलकाता क्ले पॉट्स है। कोलकाता क्ले पॉट्स ये स्मोकी है और थोड़ा सा नॉन स्मोकी भी मिलेगा, दिखाती हूँ। ये नॉन स्मोकी है, देखिए ऐसे साइज़ में आपको स्मोकी नॉन स्मोकी कोलकाता क्ले पॉट्स मिलेगा। तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्डर दे सकते हैं और आपका ऑर्डर बुक कर सकते हैं। देखिए, कोलकाता क्ले पॉट्स बहुत ही आर्दी है, ये ज़्यादा स्मोकी है। देखिए, ये वाला ज़्यादा स्मोकी है, ब्लैक कलर का है। ये सब स्मोकी पीस है, बहुत ब्लैक जो होता है। और देखिए, ये साइज़ और ये साइज़ टाइनी पॉट्स में अवेलेबल मिल जाएगा आपको। टाइनी पॉट्स, छोटा छोटा पॉट्स नीचे है। देखिए, ये टाइनी है और ये एक साइज़ है टाइनी से ऊपर वाला, ये टाइनी पॉट्स है। ये दो साइज़ मिल जाएगा आपको, ये टाइनी पॉट्स में दो साइज़। और दिया मिल जाएगा, ऐसे छोटा दिया है, इसे एक बड़ा दिया भी है, वो भी इसमें ऐड होगा। ऐसे दिया मिलेगा आपको। कूलर भी मिलेगा, कूलर में स्मोकी नॉन स्मोकी दोनों ही अवेलेबल है। मैं दिखाती हूँ, स्मोकी ऐसे होगा, थोड़ा बहुत स्मोकी होगा, ज़्यादा स्मोकी नहीं है। और ऐसे नॉन स्मोकी में कूलर मिलेगा। कूलर एक हुआ, और एक मैं दिखाती हूँ। और ऐसे चिप्स होगा, चिप्स भी ऐड होगा आपको, 2 पीस चिप्स होगा। और ग्लास होगा, ऐसे मिनी ग्लास होगा इसमें। ये मिक्स आइटम दिखा रही हूँ मैं, ऐसे ग्लास भी होगा। देखिए, ये सब तो मिक्स पॉट्स में ये सभी अवेलेबल है। और 2-3 डिज़ाइन अवेलेबल है, वो इसमें ऐड नहीं होगा, वो भी मैं बाद में दिखा दूँगी। देखिए, ये सभी पॉट्स आपको बहुत ही आर्दी मिलेगा। तो इतना सारा पॉट्स आपको मिक्स्ड में मिल जाएगा,
देख लीजिए, ये मिनी पॉट्स है, इसे ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, ये बिग साइज़ ऐसे पॉट्स मिलेगा विदाउट डिज़ाइन। ये मिनी पॉट्स है, मीडियम साइज़ पॉट है, ये भी मीडियम ग्लास है, ये थिक क्ले पॉट्स है, कोलकाता क्ले पॉट्स है, ये कूलर है और ये चिप्स है। तो ऑल टाइप ऑफ आपको मिक्स्ड में 1 kg में मिलेगा। आप लोग ऑर्डर दीजिए और ऑर्डर दीजिए, आपका ऑर्डर बुक कीजिए, और जो जो मुझे ऑर्डर देते हैं उनका पार्सल 2 दिन में पार्सल डिस्पैच हो जाता है। और मैं एक बात इस वीडियो में बोलना चाहूँगी, मैं थोड़े दिन से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा प्रॉब्लम चल रहा था थोड़ा, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे जो पप्पीस था ब्राउनी, उसका डेथ हो गया है। बहुत कोशिश करके भी मैं उसे बचा नहीं पाई हूँ, और उसके चलते मैं वीडियो नहीं छोड़ पाई, आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाई। 10 दिन से मैं बहुत ही बिज़ी था, इसमें पज़ल था, ब्राउनी को अचानक से एक डिजीज़ अटैक हुआ और हम लोग समझ नहीं पाए, उसका तबीयत है, वोमिटिंग होने लगा, उसका पॉटी से ब्लड निकलने लगा, इसीलिए उसको हम 2 times डॉक्टर के पास स्लाइन दे रहे थे, उसको विटामिन्स चल रहा था, तब एंटीबायोटिक चल रहा था, फिर भी मैं ब्राउनी को बचा नहीं पाया। ब्राउनी का डेथ हो गया 20 मार्च में ब्राउनी का डेथ हो गया। उसका वीडियो में मैं शेयर करूँगी, आप लोग देखना, बहुत कष्ट उसको हो रहा था, वो 2 times इंजेक्शन ले रहा था और बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। जो कोविड चल रहा है हम लोग के इधर, और डॉग्स में कोविड के जैसा वायरस है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वही ब्राउनी को अटैक हुआ, और ब्राउनी एकदम बच्चा था 3 months का, इसीलिए वो एकदम सह नहीं पाया और ब्राउनी का डेथ हो गया। इसीलिए मेरा मन भी ख़राब है, अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, घर में सभी लोग दुख में हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन 7 days होने के बाद भी वो मर गया है, और इससे मैं थोड़ा अपसेट हूँ, मुझे वीडियोस डालना अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत अच्छे तरह रहना, सावधान रहना, क्योंकि कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये डॉग्स लोग तो समझता नहीं है, इनको भी डिजीज़ अटैक किया, और बहुत ही कष्ट से ब्राउनी मेरा चला गया भगवान के पास। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, और मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है ब्राउनी मरने से 2 दिन पहले, तो उसके लिए मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है आप लोगों का, मेरे पास तभी लॉस्ट हो गया है, मेरा डिस्प्ले ख़राब हो गया है, तो इसीलिए बहुत अपसेट हूँ मैं, और इसीलिए 10 दिन से मैं थोड़ा आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स में नहीं रह पाई, बहुत 2 times मॉर्निंग इवनिंग में उसको लेके बहुत ही पजल था, और फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाई उसके लिए, उसको बचा नहीं पाया, वो चला गया हम लोगों से। मैं वीडियो करके रखी हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी, वो बहुत ही सफ़र किया इस डिज़ीज़ को, लेकिन वो सह नहीं पाया, लास्ट में हार्ट अटैक हो गया उसको, सेरिब्रल में उसको हार्ट अटैक होके वो दम तोड़ दिया। तो ब्राउनी जिधर भी है अच्छे रहे, और क्या बोल सकती हूँ, आप लोग प्रे करना मेरे ब्राउनी के लिए। और इस वीडियो में मैं ये आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सुन के कैसा लगा, और ये जो डिज़ीज़ चल रहा है, इसीलिए बोलूँगी जिसके घर में डॉग्स है उनको बाहर मत निकालना, और बाहर से ही ये डिज़ीज़ वो लोगों पे अटैक हो रहा है। ये तो मैं नहीं जानती थी, बाहर लेके अगर जानती होती तो बाहर ब्राउनी को नहीं जाने देती मैं उसको लेके नहीं जाती, लेकिन बाहर से ही ये आया है, ये दूसरा डॉगी का स्मेल से आता है,
वो लोग जो रोड पे घूमता है, रोड का कुत्ता, उनसे ये डिजीज़ आया है। तो ये डिजीज़ का नाम है पाड़वो था, ये डिजीज़ का नाम पाड़वो वायरस था। पाड़वो वायरस ही ब्राउनी को डेथ तक लेके गया। और ब्राउनी का ये पाड़वो वायरस कहाँ से आया मुझे पता नहीं, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है उसको पहले से पाड़वो वायरस था। जब मैं उसको वैक्सीन दिया हूँ उसी टाइम उसके बॉडी में वो वायरस ले नहीं पाया वैक्सीन को, इसीलिए उसका इफ़ेक्ट हो गया और वो उसको वोमिटिंग होना स्टार्ट हुआ। तो ये सब होते गया, तो मैं बहुत ही उसको लेके इधर उधर भागती रही, किया अभी उसके लिए बहुत किया लेकिन उसको बचा नहीं पाया। तो बाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही वीडियो में बोलना चाहूँगी। आप लोग कमेंट करके बताना, और आपको जो अगर पार्सल लगेगा तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, उसी फ़ोन नंबर पे आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं। आइदर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आइदर मुझे कॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इधर ही ख़त्म करती हूँ, आप लोग देख के ऑर्डर दीजिए। तो बाय फ्रेंड्स।